भाइयों को नमस्कार। देखिए मैं आज अपने उबरा सोनभद्र से मैं तीन तीन गौटा भी इसको बड़ा छोड़ने के लिए आया हूँ और एक सांप भी है। अब देख लीजिए मैं पहला छोड़ने जा रहा हूँ। बहुत बड़ा गौटा है ये, ध्यान से इसको देखिएगा। ये इसको ध्यान देखिएगा, ये रहा, भाग गया, ये बहुत बड़ा है। अब इसको आप देखिए ध्यान से, बिस्कोपड़ा, ठीक है ना। इसको मैं आज़ाद कर दूँ, पहले मैं सोचा कि बड़े को आज़ाद करूँ, छोटा है ये। ये भी एकदम परिभाव ध्यान से पहचान लीजिए इसको। बिस्कोपड़ा के लोग नाम से जानते हैं, बड़ा घोटा होता है, छोटा बिस्कोपड़ा होता है। जो भी होता है इसके लार में होता है और इसमें जहर नहीं होता है। ये जितना पुराना होता है लार इसका उतना खतरनाक होता है। न जाने कितने हज़ार बैक्टीरिया इसमें होती है। ध्यान से इसको देख लीजिए, जब ये अचानक कभी किसी को काट ले तो वहाँ चीरा लगा के टिटोल से या पेट्रोल से इसको साफ़ कीजिए, वहाँ की बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके मुँह में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया रहती है। लोग इसके दहशत से ही ख़त्म हो जाते हैं अगर ये किसी को काटता है तो। लेकिन ये जल्दी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप इसके करीब जाएंगे, ये करीब की जगह दूर भागने की कोशिश करेगा, बहुत तेज़ी से भागता है ये बहुत बड़ा डरपोक भी होता है। जब तक कोई इसको ऐसे पकड़ेगा नहीं, दबाएगा नहीं, तब तक किसी को काटेगा नहीं। इससे ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं इसको आज़ाद कर लूँ, ये देखिए, ये देखिए गया। अब ये क्लियर रहा, इसको भी आजाद कर दिया। अभी एक तो सांप है, अभी मैं इसको छोड़ने के जा रहा हूँ। खतरनाक वाटर स्नेक है, इसे तब फनिक के दोगला बोलते हैं और इसकी चलाई भी बहुत खतरनाक है। ये देखिए, कि जब ये सूखे स्थानों पे काटता है तब इसके लार में दिक्कत होती है, गीले में रहेगा, पानी के अंदर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब मैं जाऊँ इसको भी थोड़ा आज़ाद कर दूँ, ध्यान देखिएगा इसको भैया। अब मैं इसको छोड़ दूं, ये